हमारे पास हर साइज का मसाला है, कि हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है, कि हमने स्मार्ट बम बनाया हुआ है जनाब। इंडिया तो चाहता है ये मरी जाए। करंट लगे। ये है जनाब शेख राशिद। पाकिस्तान सरकार में मंत्री का ओहदा है, लेकिन बातें ऐसी करते हैं कि सुनकर आपकी भी हंसी छूट जाए। टेस्ट करना चाहिए टियर गैस को, के बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी। दरअसल ये वाकया पेश आया सरकारी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान। पुलिस ने सख्ती दिखाई, लाठियां चलाई और आंसू गैस के गोले भी दागे। अब मंत्री जी से सवाल किया गया कि कर्मचारियों के साथ ये ज्यादती क्यों, तो जनाब रशीद साहब ने ऐसी दलील दी कि सवाल पूछने वाला भी चकरा गया कि भला ऐसा भी पाकिस्तान में हो सकता है। थोड़ी बहुत टियर गैस भी चलाई है, वो भी जरूरी होती है, क्योंकि टियर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए टियर गैस को, के बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी। सो उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है और ज्यादा महफूज है हमारे पास अभी। इतना ही नहीं, राशिद साहब तो कुछ इसी तरह की बयानबाजी के लिए ही जाने जाते हैं। कभी परमाणु बम को लेकर, हमारे पास हर साइज का मसाला है, कि हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है। तो कभी रैली के दौरान करंट लगने पर पीएम मोदी का नाम उन्हें याद आ जाता है। मोदी नीयतों से वाकिफ है, तुम्हारा रस कष्ट करंट लग गया। खैर मेरा ख्याल है करंट आ गया। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।